जिले की मंडियों में कपास की फसल आने लगी है, जिसकी खरीद के लिए सरकार द्वारा नरमा का भाव 5800 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, मगर सरकारी खरीद एजेंसियों की गैर हाजिरी में प्राइवेट खरीदारों की तरफ से मंडियों में फसल को सरकार द्वारा तय दाम से कम दाम पर खरीदकर किसानों की लूट की जा रही है। जबकि कम भाव को मंडी बोर्ड के अधिकारी सरकारी खरीद एजेंसी के न आने और फसल का गीला होना मानते हैं। किसानों ने कहा कि हम मंडी में फसल लेकर आए हैं जिसका सरकारी भाव 5650 रुपए क्विंटल तय किया गया है, मगर मंडी में 5650 की बजाय फसल 5000 से भी कम दाम पर बिक रही है और 650 रुपए प्रति क्विंटल की लूट की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस लूट के अलावा किसान को फंसा कर फसल को गीला कहकर 5 किलो तक की काट भी कुछ व्यापारी वसूलते हैं। तो आपको बता दें कि किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानसा में कम दाम पर यहां पर कपास की फसल बिक रही है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। वहीं किसानों ने व्यवस्थाओं पर भी असंतोष जताया है। आपको बता दें कि मंडी में फसल 5000 से भी कम दाम पर बिक रही है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। जो अन्नदाता किसान कहीं ना कहीं परेशान हैं, जिसकी वजह से उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कपास की फसल कम दाम पर बिक रही है, जिसके चलते उन्होंने कहा कि उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।